चुनिंदा घंटों की बात है। हरियाणा अपना भविष्य मत पेटियों में डाल चुका है। ट्रेंड्स धीरे धीरे आने लग जाएंगे, मगर ये विश्वास है एक एक कार्यकर्ता की जो मेहनत है, 11 महीनों का जो संघर्षशील सफर है, आज हरियाणा बदलेगा, हरियाणा परिवर्तन की राह पर चलेगा, हरियाणा के अंदर एक नया उदयगा। और ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के सत्ता की जो विधानसभा की जो चाबी होगी वो जननायक जनता पार्टी के हाथ में होगी। और तो समय बताएगा कि जनता ने किस रुख अपना किया है, मगर मेरा ये मानना है कि जो प्यार एक एक वोटर का मिला, जिस तरीके से ताकत एक एक वोटर ने दी, हरियाणा बदलाव चाहता है। मैं ये मानता हूँ ना तो बीजेपी 40 पार करेगी ना कांग्रेस 40 पार करेगी, और सत्ता की चाबी जो होगी वो जननायक जनता पार्टी के हाथ। आज का दिन देखिए, जो इतने वो जैसे रेसलिंग के अंदर हम 4 साल मेहनत करके ओलंपिक के मेडल के लिए हम लड़ते हैं, तो सेम वही चीज़ है कि वो इंतज़ार की जो घड़ी वो आ चुकी है, और अभी आज रिजल्ट आएगा तो सब पता चलेगा जब जनता जनार्दन किन के साथ है और किन पे विश्वास कर। जिस सोच के साथ मैंने रखा था कदम, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा लोगों ने मुझे भरपूर सहयोग और प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया है, और वही मेरी ताकत है, और उसी ताकत के साथ मैं आगे बढ़ती गई। और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कुश्ती के दंगल से मैं राजनीतिक के दंगल में इतने आगे बढ़ गई। कितना भरोसा और कितनी उम्मीद है आपको खुद पर और जनता पर? देखिए, खुद पे भी और जनता पे भी भरोसा है कि उन्होंने जो अपनी बेटी पे जो उनको उन्होंने हमेशा आशीर्वाद दिया है, वो बेटी को कमजोर नहीं पड़ने देंगे और बेटी के साथ खड़े रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।